शाम को बदलापुर रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। चार दोस्तों के बीच पैसों को लेकर हुए विवाद के चलते एक ने दूसरे दोस्त पर गोली चला दी। एक शख्स घायल है और पुलिस ने एक को हिरासत में ले लिया है। गोली चलाने वाले युवक का नाम विकास पगरे है और घायल का नाम शंकर संसारे है। उसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बदलापुर के नंबर एक स्टेशन पर दो राउंड में आग लगने से काफ़ी भीड़ थी और यात्रियों की भी अच्छी खासी भीड़ थी। फिलहाल कल्याण लोहमार पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस के मुताबिक शंकर संसारे, विकास पगरे और दो अन्य दोस्तों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। शाम को चारों दोस्त बदलापुर रेलवे स्टेशन के बाहर मिले और बहस तीखी हो गई। गुस्से में आकर विकास पगार ने पास रखी बंदूक से शंकर संसारे पर गोली चला दी। संसारे के पैर में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग शुरू होते ही स्टेशन पर मौजूद लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत विकास पगरे को गिरफ्तार कर लिया और गोलीबारी में इस्तेमाल बंदूक जब्त कर ली। रेलवे पुलिस ने तुरंत विकास को हिरासत में लिया और आगे की जांच शुरू कर दी। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है, जिससे पुलिस को जांच में अहम सबूत मिलने की संभावना है। गोलीबारी की घटना से कुछ देर के लिए स्टेशन पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति नियंत्रित हो गई। इस घटना से बदलापुर इलाके में डर का माहौल फैल गया है और पुलिस ने विकास पगार के खिलाफ हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है। आइए लेते हैं अधिक जानकारी। रेलवे पुलिस उपायुक्त मनोज पाटिल से जानते हैं क्या कहा उन्होंने। यामध्ये चौघ जण होते, त्यांनी आपापसामध्ये पैशाच्या वाटपावरून आणि त्याच्यावरून वाद झाला आणि त्यातूनच त्यांनी एकमेकांवर हल्ला केला आणि त्यातून मग ही फायरिंगची घटना घडली। काय त्यांचं काय बॅकग्राऊंड आहे का आणि कसं? चौघही आरोपी हे रेकॉर्डवरील आरोपी आहेत। त्यातील जो आरोपी आपण ताब्यात घेतला आहे त्याच्यावर दोन गुन्हे टिटवाळ्याला दाखल आहेत, एक आणि दोन गुन्हे उल्हासनगरला दाखल। प्राथमिकमध्ये काय असं माहिती समोर आलं का? प्राथमिकमध्ये पैशांच्या देवाणघेवाणीवरून आणि पैशाच्या वाटपावरून त्यांच्यामध्ये अचानक वाद झाला आणि त्या वादाचं पर्यवसन हे फायरिंगमध्ये झालं। कुठे किती फायरिंग केलं? दोन राऊंड फायर केलं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।